एवरीवन आज हम आपको नेशनल जर्नल इंश्योरेंस कंपनी के सुपर टॉप अप प्लान का एक रिव्यू देंगे नेशनल जर्नल इंश्योरेंस कंपनी एक सरकारी कंपनी है सो तो अगर आप अपने लिए कोई गवर्नमेंट मेडिक्लेम कंपनी में सुपर टॉप अप देख रहे हैं तो यह प्लान आपको जरूर देखना चाहिए सो तो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं एंट्री एज की बात करें तो इस प्लान में 18 टू 65 इयर्स का कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है डिडक्टेबल अमाउंट इस प्लान में दो लाख तीन लाख पाँच लाख आठ लाख और दस लाख है डिडक्टेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपको डिसाइड करना होता है और उसके बाद ही कंपनी क्लेम पे करना स्टार्ट करती है अगर आप दो लाख का डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो समोर्ड रेंज तीन लाख और पाँच लाख है तीन लाख के अमाउंट पे तीन लाख पाँच लाख और सात लाख है और पाँच लाख के अमाउंट पे पाँच लाख सात लाख दस लाख है आठ लाख के डिडक्टेबल पे दस लाख पंद्रह लाख है और दस लाख के डिडक्टेबल पे पंद्रह लाख और बीस लाख है इस प्लान में दोनों पॉलिसी टाइप है आप इंडिविजुअल के लिए भी प्लान ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर के लिए भी यह प्लान ले सकते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान में थर्टी डेज़ है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सिक्सटी डेज़ है नो क्लेम बोनस इस प्लान में पाँच परसेंट है जो कि अप टू हंड्रेड परसेंट तक इंक्रीज होगा मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्लान में 25% परसेंट ऑफ सम इन शॉर्ट है सम इन शॉर्ट का 25% परसेंट तक मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं इस प्लान में मेंटल इलनेस एच वी एड्स जेनेटिक डिसऑर्डर भी कवर है जो कि जर्नली एच वी एड्स को कंपनियां कवरेज नहीं देती है डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस प्लान में 140 डे केयर ट्रीटमेंट कवर है आयुर्वेद प्लस होम्योपैथिक इस प्लान में अप टू सम इन शॉर्ट तक कवर है इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए वहाँ पर कम से कम पाँच बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए और एक डेडिकेटेड आयुष थेरेपी सेंटर भी होना चाहिए उसी सिचुएशन में आप क्लेम कर सकते हैं इस प्लान में ऑर्गन डोनर अप टू सम इन शॉर्ट तक कवर है यानी कि अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो उसका भी कंपनी क्लेम पे करती है और उसके प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की क्लेम भी कंपनी पे करती है मटर्निटी का बेनिफिट भी इस प्लान में कवर है जो कि आप तीन साल के बाद मैक्सिमम दो बेबीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं और जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट होगा वो कंपनी कवर करेगी इस प्लान में आपका ई टॉपिक प्रेगनेंसी भी कवर है ई टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई बेबी जो है वो बेबी ट्यूब में स्ट्रक हो जाता है और जिसकी वजह से किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय पे आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं जर्नली यह कंपनीज क्लेम नहीं देती है ट्रीटमेंट ड्यू टू डेंजरस स्पोर्ट्स जो भी आपके डेंजरस स्पोर्ट्स हैं लाइक पैराग्लाइडिंग स्कूबा डाइविंग बंजी जंपिंग इस प्लान में अगर इन स्पोर्ट्स की वजह से आपको इंजरी होती है तो आप 25% परसेंट ऑफ सम इन शॉर्ट तक क्लेम कर सकते हैं जर्नली यह है भी इंश्योरेंस कंपनियां अवॉइड करती हैं इस क्लेम को पे करना एम्बुलेंस की बात करें तो इस प्लान में साल में एक बार आपका जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा एम्बुलेंस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं डॉक्टर होम विजिट आपकी थाउजेंड रुपीज पर डे हो सकती है अप टू टेन लाख रुपीज़ तक के सम इन शॉर्ट और टेन लाख एंड अब सम इन शॉर्ट पे आपकी टू थाउजेंड पर डे है जो कि मैक्सिमम टेन डेज तक आप क्लेम कर सकते हैं हॉस्पिटल कैश अगर तीन दिन के बाद पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो आप दस लाख रुपए के सम इन शॉर्ट पर हज़ार रुपये मैक्सिमम पाँच दिन तक और अबव टेन लैख सम इन शॉर्ट पर दो हज़ार रुपये पर डे और मैक्सिमम फाइव डेज तक आप क्लेम कर सकते हैं इस प्लान में बैरिएटिक सर्जरी यानी कि अगर मोटापे की वजह से कोई आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उस पर भी क्लेम कर सकते हैं तीन साल के बाद इसमें कंडीशन यह होती है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी एज अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए और जो बीएमआई है वो चालीस से ऊपर होना चाहिए अगर 40 से कम है और 35 तक भी है और डॉक्टर कंसल्ट करता है कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से बी की सर्जरी कंपलसरी है तो आप वह कम सर्जरी करवा सकते हैं रिन्यूअल्स की बात करें तो इस प्लान में रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग है अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग है लाइक हाइपरटेंशन शुगर तो कंपनी आपका एक साल के बाद 50 परसेंट दो साल के बाद 75 परसेंट और तीन साल के बाद 100 परसेंट क्लेम पे करना स्टार्ट कर देगी वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो वन मंथ में वेटिंग पीरियड एज यूजुअल 90 डेज वेटिंग पीरियड आपका डायबिटीज कार्डियक हाइपरटेंशन जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं आप देख सकते हैं नाइन्टी डेज़ का वेटिंग पीरियड वन ईयर का और टू ईयर का स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड है जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो आप सेक्शन 80D डी टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया तो आप फ्री लुक पीरियड में अपनी पॉलिसी को कैंसिल करके रिफ़ंड ले सकते हैं जो कि 15 डेज़ का फ्री लुक पीरियड है पेनल हॉस्पिटल्स की बात करें तो करीब 6000 हॉस्पिटल्स पेनल पे हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के टीपीए नेशनल इंश्योरेंस का आउटसोर्स है यानी कि इनहाउस नहीं है आपको क्लेम के लिए थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करना होगा सो so, ये था एक रिव्यू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नेशनल सुपर टॉप अप प्लान के बारे में अगर आपका सम इन शॉट कम है तो आपको यह ज़रूर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि जो सुपर टॉप अप प्लान होते हैं वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे सम इन शॉर्ट को काफ़ी इंक्रीज करते हैं सो so, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं सो so, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग